कक्षा 10 में अब तक जो है आप लोगों ने प्रकाश यूनिट में दर्पण लेंस के विषय में अध्ययन किया। दूसरा चैप्टर आज प्रारंभ हो रहा है, दूसरा अध्याय जिसका नाम है रंग बिरंगा संसार एवं इंद्रधनुष। पाठ का नाम है रंग बिरंगा संसार एवं इंद्रधनुष। देखें इसमें जो हमें संसार रंग बिरंगा कब दिखाई देगा और क्यों दिखाई देता है, इसके लिए जो है क्या होना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है, इस प्रश्न पर जो है कुछ चर्चा किया जाएगा। जैसे कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, प्रश्न आता है कि हाँ कि स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। प्रश्न आता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कितनी होती है, आप लोग जान चुके होंगे इसका उत्तर कितना। इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। यानी कि मानव नेत्र के लिए जो अस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी है उतनी है 25 सेंटीमीटर। फिर आज दूसरा प्रश्न किया जाता है कि दूर बिंदु कितना है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। अगला प्रश्न आता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कहा तक देखते हैं जहां तक आपको दिखाई देता है। फिर आता है कि दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है, अगला क्वेश्चन दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं। दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं, ठीक ना। इसे निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। और फिर क्या अगला प्रश्न आता है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है। प्रश्न आता है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है। न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है, आप कह सकते हैं
कि मानव नेत्र से निकट बिंदु की दूरी, मानव नेत्र से निकट बिंदु की दूरी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। मानव नेत्र से निकट बिंदु की दूरी, मानव नेत्र से निकट बिंदु की दूरी, निकट बिंदु की दूरी, दूरी क्या कहलाती है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्लियर? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ये प्रश्न आपसे किया जाता है, जो भी चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में या फिर आपसे जो है अर्धलघुत्तरीय प्रश्न के रूप में ये प्रश्न अवश्य आते हैं। फिर एक बात और जो है आपसे जरूरी पूछा जाता है, आपको ध्यान में होना चाहिए, जैसे हमने या सभी लोगों ने ये देखा है कि जैसे मुर्गा है, मुर्गा सुबह जल्दी क्यों उठ जाता है? जल्दी क्यों उठ जाता है? तो देखें, जो मुर्गा है उसकी आंखों में, उसकी आंखों की रेटिना में दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम मात्रा में होती हैं। दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम मात्रा में होती हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के लिए, जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। इसी कारण से मुर्गा सूर्योदय होने से पहले जग जाता है और सूर्यास्त होने से पहले सो भी जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि मुर्गा जो है सूर्योदय से पहले क्यों जग जाता है और सूर्यास्त से पहले सो क्यों जाता है, तो आपका सीधा यही आंसर होगा कि उसमें दंडाकार, उसकी आंखों की रेटिना में दंडाकार कोशिकाओं की संख्या कम होती है, जो कि प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होता है। इसी कारण से वह सूर्योदय से पहले जगता है और सूर्यास्त होने से पहले क्या होता है? सो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर आपसे दूसरा प्रश्न जो आता है कि और पूछा भी जाएगा इस बार पेपर में, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण किस प्रकार के लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज यहां पर लिखा गया वो दिखाई देता है आपको। जैसे दूर लिखा है ना, ये मत सोचिएगा कि आपको दूर का नहीं दिखाई देगा, दूर तक दिखाई देता है लेकिन निकट नहीं। कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। और इसका कारण क्या है,
इस दोष का कारण क्या है कि पहला है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना जिसके कारण उसकी फोकस दूरी क्या होती है बढ़ जाती है। पहला कारण जो है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि नेत्र की जो मांसपेशियां है वो क्षीण हो जाती है, नेत्र की मांसपेशियां क्षीण हो जाती है जिसके कारण जो गोलक है उस गोलक का व्यास कम हो जाता है, गोलक का व्यास कम हो जाता है। इसी के कारण जो है यह दृष्टि दोष होता है। इस दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाता है, कैसा हम चश्मा लगाएंगे, इसके लिए जो है हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। कौन से चश्मे का? उत्तल लेंस के चश्मे का हम प्रयोग करेंगे जिसके द्वारा इस दोष से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा जो है आप हल करेंगे। ठीक, धन्यवाद।